हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक फैमिली पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, फिर से एक बार इस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूं कि आप कैमरे के सामने कैसे बोलें, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई यार शुरू शुरू में बोलने में कैमरे के सामने बोलने में बड़ा अजीब सा डर लगता है। तो यार भाई मेरे, अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो आपको इसमें डरने की क्या बात है यार, तुम क्यों डरते हो किसी से, मतलब क्या तुमको कोई किसी से कोई क्या प्रॉब्लम है कि तुम कैमरे के सामने डर रहे हो? लेकिन हाँ, शुरू में जब आप वीडियो बनाते हैं तो डर रहता है, ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग हमारे सामने खड़े हैं, मैं उनको बता रहा हूँ कुछ, उनको बात पता नहीं, मेरी बातें गलत लग जाए, क्या हो जाए, ऐसा इस तरह का कुछ ना कुछ डर सा लगा रहता है, अजीब सा डर लगा रहता है। तो ये सारी प्रॉब्लम एक नए यूट्यूबर के साथ होती ही होती है, मेरे साथ भी यही होता था, बिल्कुल सेम यही कंडीशन होती थी। अरे यार पता नहीं मैं सामने दिख कैसा रहा हूँ, सबसे बड़ी बात यार सामने मैं दिख कैसा रहा हूँ, ये बात छोड़ दीजिए अपने मन से, दिमाग से बिल्कुल ये बात निकाल दीजिए, आप दिख कैसे रहे हो, जैसा भी आपको भगवान ने बनाया है आपको बहुत अच्छा बनाया है, आपको आपको लोग देखने नहीं आते, आपकी शक्ल सूरत नहीं देखने आते, आपके टैलेंट को देखने आते हैं, आप अपने टैलेंट को दिखाइए ना। आदमी कितना भी गंदा हो लेकिन उसकी जो अंदर की क्वालिटी है वो चीज़ होनी चाहिए, जो आप अपनी क्वालिटी को दिखाइए, अपनी शक्ल सूरत पे नजर दीजिए, ये तो पहली बात होगी। दूसरी बात दोस्तों, आप थोड़ा थोड़ा बीच में हकलाने लगते हैं एक तरह से, तो आपको बता दें आप जैसे कैमरे के सामने वीडियो बना रहे हैं तो आप ये सोच के बैठिए, कैमरे के सामने वीडियो बनाइए कि आपका कोई छोटा भाई या छोटी बहन है सामने बैठी है, आप उसको समझा रहे हो, कैसे मोटिवेट कर सकते हो कि वो जल्दी से जल्दी समझ जाए। इस तरीके से आप कैमरे के सामने अगर बैठे हैं, कैमरे के सामने बोल रहे हैं, तो उसको इतना मतलब आसान भाषा में अपनी जो बात है उसकी उसकी उसको समझ में आए, ऐसा कुछ बोलिए कि उसको सामने वाले को, अगर जो छोटा भाई बहन है, आप उसको कभी भी समझाते होंगे तो ऐसे ही समझाते होंगे कि ऐसा करो यार, ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तो सेम वही कंडीशन, आप कैमरे को अपना छोटा भाई मान लीजिए, तब आप सामने कैमरे के बैठ के उसको समझाइए, वीडियो आपकी अच्छी से अच्छी बनेगी और एक नंबर की बनेगी दोस्तों। तो ये सारी प्रॉब्लम होती ही होती है नए यूट्यूबर के साथ, लेकिन थोड़ा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा अपनी बोली में, भाषा में, अपनी बॉडी लैंग्वेज में, हर तरह से आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो वीडियो ज़्यादा नहीं खींचूंगा दोस्तों, आज की वीडियो मैं बहुत ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा, तो इसमें मैं यही बताना चाहता हूं कि आप जो आपका बॉडी लैंग्वेज है आप का, मतलब बहुत सारे यूट्यूबर अपने चेहरे के ऊपर जाते हैं, भाई आपको वीडियो बनाना है, आपकी वीडियो जो आपकी ऑडियंस है, आपकी वीडियो की क्वालिटी, आपकी क्वालिटी, आपका जो स्पीच है उसको देखने आते हैं, ना कि आपकी शक्ल सूरत देखने आते हैं, अरे ये बंदा बड़ा सुंदर है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं भाई मेरे, आपकी बॉडी, आपकी शक्ल सूरत, ये सारी चीज़ें आपके यूट्यूबर, आपके जो सब्सक्राइबर वो देखने नहीं आते हैं, आपके टैलेंट को देखने आते थे। ये दिमाग से हटा दीजिए कि मैं दिख कैसा रहा हूँ यार, ये बात अपने दिमाग से बिल्कुल 99% 99 क्या दोस्तों, पूरा 100% निकाल दीजिए कि आप दिख कैसे रहे हैं। तो ये बात निकाल देंगे दिख कैसे रहे, तो दूसरी बात आती है कि आप मोटिवेट कैसे करेंगे। तो मोटिवेट करने का एकदम सिंपल सा तरीका मैंने बताया कि समझ लो आपके सामने आपका कोई छोटा भाई या अभी छोटी बहन या कोई भी आपका, मान लीजिए आप एज आप एक टीचर हैं, आपके सामने आपको कोई स्टूडेंट बैठा है, तो उसको कैसे समझाएंगे कि जल्दी से जल्दी अच्छी तरीके से उसको समझ में आ जाए, ये चीज़ होती है। तो अगर आप जितना आसान भाषा में समझाएंगे उसको उतना जल्दी समझ में आएगा, अगर आप थोड़ा उसको डांट पीट के समझाएंगे तो वो आपसे पढ़ने नहीं आएगा, वही बिल्कुल यही इसमें कंडीशन वही लागू होती है। अगर आप वीडियो गंदा बनाएंगे, कुछ गाली गलौज करेंगे, अजीब तरह से वीडियो बनाएंगे तो आपके पास सब्सक्राइबर भी नहीं आएंगे, तो आपको अपने सब्सक्राइबर का भी ख्याल रखना है, एज आपकी जो आपके सब्सक्राइबर हैं एक तरह से आपकी फैमिली है यार, उन्हीं के सपोर्ट से आप लोग इतना उठ पाओगे, उन्हीं के सपोर्ट से आज मैं भी इस तरह की वीडियो बना पा रहा हूँ, सिर्फ मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उन्हीं के बदौलत मैं, मेरा वजूद है। तो मैं तो यही मानता हूँ कि मैंने अपना चैनल भी इसी नाम से रखा है टेक फैमिली, मैं अपने जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको अपने एज ए फैमिली ही मानता हूँ, तो आपको अपने जो सब्सक्राइबर हैं उनके उनका दुख अपना दुख समझना पड़ेगा, और उनको अपनी फैमिली मेम्बर समझेंगे तब आपको कुछ समझ में आएगा कि आपके उनके बीच कोई ना कोई रिलेशन है, ये चीज़ अगर आप रिलेशन मान के वीडियो बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा वो क्या चाहते हैं और आपको उनको कैसे देना है, क्या चीज़ देना है, तब आप
आगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये वीडियो में आप थोड़ा सा मोटिवेट हुए होंगे वीडियो कैमरे के सामने कैसे बोले इस टॉपिक पे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।